अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। भाजपा से श्रीमती हर्षिता सिंह हुई जिला पंचायत अध्यक्ष पर प्रत्याशी घोषित। जिला कार्यालय पर जनपद के प्रभारी दयाशंकर सिंह ने की घोषणा। सिरसागंज निवासी पूर्व मंत्री जयवीर सिंह की है पुत्र वधु। बताया गया 26 जून को दोपहर 12 बजे करेंगी नामांकन। फिरोजाबाद आज भारतीय जनता पार्टी जिला फिरोजाबाद द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पार्टी प्रत्याशी वार्ड 15 की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती हर्षिता सिंह पुत्रवधु जयवीर सिंह पूर्व मंत्री को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व फिरोजाबाद के जिला प्रभारी दयाशंकर सिंह द्वारा पार्टी के जिला कार्यालय पर घोषित किया गया। उन्होंने मीडिया से कहा उन्हें निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों व सिरसागंज विधायक हरिओम यादव का समर्थन है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार, विधायक सदर मनीष असीजा, विधायक शिकोहाबाद डॉक्टर मुकेश वर्मा, विधायक जसराना रामगोपाल पप्पू लोधी, विधायक टुंडला प्रेम पाल सिंह घंगव, महापौर श्रीमती नूतन राठौर, नानक चंद्र अग्रवाल, पूर्व मंत्री जयवीर सिंह, बीएल वर्मा, अरविंद पचौरी, जिला मीडिया प्रभारी अमित गुप्ता, महेश राजपूत, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव, संजय चक, दीपक चौधरी, राजीव यादव बाले, शैलेंद्र प्रताप सिंह, के गांधी, अवधेश पाठक, डॉक्टर एस पी लहरे, राजीव गुप्ता, राजेश चौहान व पार्टी अन्य वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। पार्टी प्रत्याशी श्रीमती हर्षिता सिंह कल दिनांक 26 जून को दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगी। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। सक्रिय नहीं है बट हमारी फैमिली ने पहले भी जिले के लिए बहुत कुछ करा है। मेरी फैमिली पहले भी, जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, वो पहले भी पूर्व मंत्री रहे हैं, यहाँ बहुत डेवलपमेंट करा है, तो उन्हें ऑलरेडी यहाँ के लोग जानते हैं, मानते हैं। और अब मैं भी जैसे शादी के बाद से इसी फैमिली में हूँ, उतने सालों से यही रह रही हूँ, यहाँ के लोगों को जानती हूँ। तो अब आगे अगर हमें अध्यक्ष चुना जाता है तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट की ओर देखेंगे। जो भी गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम्स आएगी वो देखेंगे कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलाए मिले। और जो भी गांव से यहाँ रूरल एरिया के वो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रोड के इश्यूज हुए, जल भराव हुआ, ये हुआ, उन्हें हम सुधारने की कोशिश करें। इम्प्लीमेशन ये है कि जो भी हमें स्कीम्स आएगी उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाना, जो कि लास्ट नीचे तक आते आते नहीं पहुंच पाता है। बहुत सी स्कीम्स, कुछ ही लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है, सबको नहीं मिलता है। और जो भी लोग अपनी प्रॉब्लम बताएंगे उनका सल्यूशन निकालना, प्रत्येक व्यक्ति से उनकी प्रॉब्लम पूछना, क्या प्रॉब्लम है, क्या है। वोटर उन्हें पता है कि हम इस लायक हैं, हमें इस लायक उन्होंने समझा है, तभी वो वोट देने को रेडी हुए हैं। और बहुत से उसमें वोटर्स ऐसे हैं जो हमारी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं बट स्टिल हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी था उनके पास। अब उन्हें लग रहा होगा यहाँ बेटर ऑप्शन है, ये कुछ करेंगे आगे चल के, इसीलिए वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ की पब्लिक हमें मानती है, इसलिए वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं।